हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट। जिससे अंकित मौर्य, आज है 5 जून 2021 और इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। 4 जून 2021 को एक अपडेट देखने को मिली BTUP से लेकर के रिजल्ट के बारे में। जी हां, हमने बताया था ना आपको 15 से 20 जून के बीच के आसपास में, या उससे नियर अबाउट बोल लीजिए, आप थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट उसी के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पक्की खबर बता दिया हूँ। आइए इसमें बता देते हैं BTUP ने क्या जारी किया है। और मैं इस PDF के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा सुयस का, जिन्होंने कल के डेट में ही सबसे पहले प्रोवाइड कराया। और मैं एक और भाई का धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि इस PDF पर स्टडी पावर पॉइंट का वाटर मार्क उन्होंने लगा के शेयर किया सभी के साथ, आप देख भी सकते हैं। तो इस भाई को भी थैंक यू, जिसे भी है, मुझे तो पता नहीं, बट जिसने भी किया, कोई है अगर तो बताए मुझे जिसने भी किया। और मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो बुक में इंटरेस्टेड हो, बुक कैसे मिलेगी वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देख के जाना। ठीक है, अभी एक PDF अपलोड हो चुका है, दूसरा PDF एक भाई ने सेंड कर दिया है, वो भी आ जाएगा, और एक PDF और बनाया जाएगा। जो भी पॉसिबल हो रहा है उसको तुरंत टेलीग्राम में सेंड किया जाएगा, लेकिन उसकी लिंक नहीं दी जाएगी, आप लोग बस जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, ये सब दिया गया, अगर इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए बताते हैं, पहले अपडेट देखिए। अपडेट तो मैंने पहले ही बता दिया, बट एक बार देख लोगे तो कहोगे हाँ ठीक है। ये देखो, यहाँ पे देख सकते हैं, प्रेषक सचिव BTUP लखनऊ और सेवा में सभी कॉलेज, चाहे कोई भी हो। ठीक है, अब देखिए विषय इन्होंने दे दिया है कि विषम सेमेस्टर की परीक्षा बैक पेपर, स्पेशल बैक पेपर जो मार्च 2021 में कराई गई है। अब देखिए यहाँ पे क्या कराया गया है कि आप देखिए कि परिषद द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं कुछ जो आपका होगा 5/4/2021 को संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। ठीक है, पत्र के माध्यम से परिषद की विषम सेमेस्टर या बैक पेपर जो भी आपके यहाँ पे प्रयोगात्मक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल्स कराने वाले थे, वह 10/4/2021 को पूर्ण कराना था। हमने वीडियोस भी बताया था कि 10/4 तक लास्ट है, लेकिन ये लॉकडाउन वगैरह लग गया जिस वजह से सब काम नहीं हो पाया। और जो इसकी जो कॉपी थी, जो हार्ड कॉपी थी, वो कहा गया था कि भैया आप हार्ड कॉपी करके BTUP भेज दीजिए, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना वगैरह केसेस बहुत हाई हो गए, सब कुछ इसी पर रोक दिया गया। लेकिन इसी पर BTUP ने अब एक क्या कहते हैं नोटिस जारी कर दिया, जिसमें क्या कह रहा है कि भैया आप लोग जल्दी से कीजिए ताकि रिजल्ट आ जाए। और रिजल्ट अभी बताता हूं कैसे मैं कर रहा हूं, 15-20 के आसपास में। देखो, ये अवगत कराना है कि परिषद की विषम सेमेस्टर और बैक पेपर इसकी जो भी है परीक्षा कार्य जो प्रचलन में है, और यहाँ पे संस्थाओं द्वारा अभी तक देख लो कहा गया है कि प्रयोगात्मक परीक्षा अंक की फीडिंग वगैरह नहीं हो पाई है, जिस कारण से क्या हो रहा है, जो परीक्षा फल यानी रिजल्ट बनाए जा रहे हैं उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है। जाहिर सी बात है, नंबर फिट करना जब नहीं भरेंगे तो जो प्रैक्टिकल मार्क्स है उसमें तो टाइम लगेगा ही, दिक्कत होगी। ठीक है, तो अनुरोध किया गया है कि जिन संस्थान ने अभी तक नहीं किया है ऐसा चीज़, प्रयोगात्मक परीक्षा फीड नहीं किए हैं, और ई लिस्ट, अब तो पहले हार्ड कॉपी मैंने बोला था, लेकिन अब ई लिस्ट हार्ड कॉपी परिषद को प्रेषित नहीं की गई है, वे संस्थाएं कृपया 2 दिवस यानी 2 कार्यों में, यानी 4 को अपडेट आई है रात में लगभग देखने को मिली है, तो 5 और 6 के बीच में। ठीक है, 5 और 6 के बीच में कि ये सब काम, लेकिन मैं बता दूँ आपको 5 और 6 के बीच में यह पॉसिबल नहीं है मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि कॉलेज वाले पिछली बार भी ऐसे टाइम लगा रहे थे, इस बार भी लगाएंगे। हम लोग मान के चलते हैं 5 दिन, मान के चलते हैं 10 तारीख तक। ठीक है, 10 जून 2021 तक मान के चलते हैं कि जो लोगों ने नहीं किया, हालांकि कर देंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन मान के चलते, जानते हैं कोई काम समय पर होता नहीं है, तो मान के चलते हैं कि भैया यहाँ पे आपका 10 तारीख तक टाइम लग सकता है, तो उसके बाद आपका रिजल्ट आपको आएगा, क्योंकि 10 तक तो ये लोग अपलोड मतलब अपडेट वगैरह करेंगे प्रैक्टिकल मार्क्स कॉलेज वगैरह वाले, तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है। आगे देख सकते हैं कि कहाँ गया, हाँ, यदि किसी संस्थान द्वारा प्रयोगात्मक परीक्षा अंक फीड करने अथवा परीक्षा अपूर्ण होने की समस्या होती, यानी कोई दिक्कत उक्कत होती है, तो वो इस मेल पे करेगा, anubhag4btup@gmail.com। और मैं आपको बताना, 2 दिवसों के बीच, मतलब 2 वर्किंग डेज के बीच कहा गया है, तो हाँ सॉरी, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, मैंने कहा 2 वर्किंग डेज की बात कर रहा हूँ, और आज है आपका कौन सा डे है, आज आपका है सैटरडे। ठीक है, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, आज है सैटरडे, तो सैटरडे आज तो एक वर्किंग डेज हो गया, लेकिन कल है संडे, यानी 6 जून को संडे है, तो वर्किंग डेज में काउंट नहीं होगा, तो मंडे को काउंट होगा, तो इस 2 के बीच में देख सकते हैं, तो 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, और 1-2 दिन इधर डिले होता है, तो 10 तक मान के चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी स्टेंट आ गया और एक दिन छुट्टी भी, तो नहीं मुझे लगता कर पाएंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा, तो 10 तक मान के चल सकते हैं कि ये लोग अगर कर दिए तो हमें रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और देख सकते हैं बहुत दिया, रश्मि मैम का यहाँ सिग्नेचर वगैरह भी है, और लास्ट में तो यही है कि जिस भाई ने इस फी मतलब फोटो पर वाटर मार्क ऑलरेडी अटैच कर दिया है। ठीक है, पता नहीं उसे कैसे याद आ गया, मुझे तो याद ही नहीं था,
उसने ऐड कर दिया थैंक यू, और यह थी अपडेट, ठीक है, कि आपका रिजल्ट जो 15 तक देखने को मिलेगा, यानी 15 से पहले चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले अगर कुछ मुझे अपडेट मिलेगी मैं तुरंत अपडेट करूंगा आपको, हाँ इससे पहले आने का उम्मीद लग रही है, लेकिन दो वर्किंग डेज का मतलब समझ रहे हो कि 6 के बाद 7 आ जाएगा, और 7 को क्या आप सीधे वो 7 और 8 को ले लो, ठीक है, और उतने में करने में तो 9 और 10 हो ही जाएंगे, तो उसी के 15 और 20 के बीच में आ सकते हैं रिजल्ट, और या उसे एक दो दिन पहले समझ लो बस। और मैं आपको बता दूं, आगे चलते हैं पीडीएफ के बारे में। देखिए पीडीएफ हमने एनर्जी कंजर्वेशन जो कि यूपी पॉलिटेक्निक के 4th सेमेस्टर में है, जो भी स्टूडेंट सभी में कॉमन है, मैंने उसको अपलोड कर दिया है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग वहां से डाउनलोड कीजिए, जो भी टॉपिक ना है उसको पढ़ लीजिए, और बहुत ईजी भी है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का पार्ट है उसमें, यानी ऊर्जा को कैसे संरक्षण करना है उसी के बारे में सब बताया गया है, इलेक्ट्रिकल दुनिया में कैसे संरक्षित करेंगे और मैकेनिकल दुनिया में, बस यही चीज़ है। उसके बाद जो बुक्स आने वाली है वो EDD फर्स्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग डिजाइन एस्टिमेशन फर्स्ट जो आपका है, जो कि पॉलिटेक्निक के 4th सेमेस्टर में पढ़ी जाती है इलेक्ट्रिकल वालों के द्वारा, तो यह चीज़ जो पढ़ा जा रहा है, तो इसके लिए मैं बता दूं आपको, इसकी बुक एक भाई ने भेज दी है, मैं उसको अपलोड कर दूंगा जल्दी टेलीग्राम में, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, लिंक नहीं दूंगा क्योंकि आपको पता है कॉपीराइट का चक्कर चल रहा है, चैनल पे एक स्ट्राइक आ ही चुकी है, जिस वजह से मैं सोच रहा हूं कि लिंक वगैरह ना दूं, बस वैसे चैनल का लिंक होगा, उस स्पेसिफिक पीडीएफ का लिंक नहीं होगा, ठीक है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिए। बाकी उसके बाद अगर 4th सेमेस्टर में तो CS की बुक यानी कम्युनिकेशन स्किल 2 की बुक आपको देखने को जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि उसका पीडीएफ बनाने में टाइम लगता है, 3 से 4 घंटे लग जाते हैं एक पीडीएफ बनाने में, जैसी बुक हो बट 3-4 घंटे लग जाएंगे, तो जैसे बनेगा या तीनों बुक आ जाएंगी, इसके बाद भी जो पॉसिबल हो पाएगा वह सब बुक भी हम टेलीग्राम पे अपने अपलोड करेंगे, आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाइए, और बाकी इंस्टाग्राम पे जिन्होंने फॉलो नहीं किया मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि अगर फॉलो करेंगे तो काफ़ी अच्छा मुझे लगेगा, और कोई डाउट है तो वहाँ पूछ भी सकते हैं, क्योंकि कम फॉलोअर हैं तो आपका रिप्लाई भी मैं कोशिश करके फास्ट ही दे देता हूँ, जहाँ तक मैंने देखा अभी तक तो किसी का रिप्लाई नहीं रुका, हाँ हो सकता है मे भी एक दो लोग का रुक गया हो, बट उन्होंने अगेन चैट नहीं की तो रुका हुआ होगा, कोई बात नहीं, आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मिलूंगा मैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।